हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैया की रसोई कान्हा की फुलवारी। दोस्तों, आज हम चटपटा स्वीट कॉर्न बनाएंगे। यह सभी के लिए बहुत हेल्दी नाश्ता है। मार्केट में यह अलग तरीके से बना के मिलता है। हम आपको इसको मसालेदार स्वादिष्ट बना करके दिखाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चटपटा तीखा मसालेदार स्वीट कॉर्न बनाने के लिए हमने लिया है 400 ग्राम स्वीट कॉर्न। इसको अच्छे से धुल लिया है 3-4 पानी से। 2 टमाटर है मीडियम साइज़ के, 2 प्याज है, हरी धनिया है, लहसुन है, काली मिर्च है, हरी मिर्च है, अदरक है, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1 छोटे चम्मच और जीरा। सबसे पहले हम टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, काली मिर्च, लहसुन और 1 प्याज को मिक्सी में पीस लेंगे बारीक। प्याज को हम काट लेंगे। लहसुन मिर्चा को भी काट लेंगे। अदरक भी हम काट लेंगे छोटे टुकड़े में, जिससे अच्छे से पीस जाए। और काली मिर्च डाल देंगे। अब हम इसको बारीक पेस्ट बना लेंगे। मसाला हमने पीस लिया है, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च सब पेस्ट बन गया है। अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। गैस हमने ऑन करके कढ़ाई रख दिया था, तेल हमने डाल दिया था। तेल हमारा गरम हो गया, हम चेक कर लेते हैं। इसमें अब हम जीरा डाल देंगे, अपना हल्दी डाल देंगे। अभी रुक जाओ, अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। थोड़ी सी इसमें हम नमक डालेंगे अभी, और थोड़ा कान डालने के बाद डालेंगे। मसाले को हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे मसाला हमारा पक जाए। 2 मिनट के लिए हम मसाले को ढक करके पकाएंगे। 2 मिनट बाद हम चेक करेंगे। फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गए हैं, हम मसाला चेक कर लेते हैं। मसाला अपना तेल छोड़ चुका है। अब हम इसमें कान डाल देंगे। अब इसको हमने बॉयल नहीं किया है, हमने इसको कच्चा ही लिया है। मसाले के साथ ही ये पक जाएगा। इसमें हम 1 छोटे चम्मच चीनी डालेंगे और जो शेष नमक हमारा बचा हुआ था उसको डाल देंगे। सब मिला करके हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक देंगे। पानी हमें नहीं डालना है, भाप से हमारा कॉर्न पक जाएगा। इसको हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं, हम अपना कॉर्न चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मसाला पूरी तरह से हो गया है कॉर्न में लिपट करके। हमको इसे इतना ही पकाना है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता है। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम 30 सेकंड के लिए तेज करेंगे। गैस हम अब बंद कर देंगे और कॉर्न को बाउल में निकाल लेंगे।
हमारा चटपटा मसालेदार तीखा कार्न बनकर के तैयार है। ऊपर से हम प्याज से और हरी धनिया से गार्निशिंग करेंगे इसकी। इस तरह से आप चटपटा मसालेदार तीखा कार्न बनाइए। अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। आगे हम किसी नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।